ये देखो यहाँ तक आ रहे थे लोग कपड़े धोने के लिए, अक्सर आते रहते हैं लोग यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, अचानक से डर जाएंगे। ये देखो हेलो दोस्तों, पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी हम हैं पंदेर वाले रास्ते पे और आज हम जा रहे हैं नीचे रोल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है एक सब्जी के ऊपर, जो कि अपने पहाड़ों की एक स्वादिष्ट सी सब्जी है जिसको बोलते हैं लिंगड़े, उनको लाने जा रहे हैं आज हम। और नीचे जाना हमें रोल, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लिंगड़े कहाँ और कैसे मिलते हैं। अभी फिलहाल ये पंदेर वाला रास्ता है। अगर आपने पंदेर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पंदेर वाली वीडियो एक बार जरूर देखना, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही आप पंदेर वाली वीडियो देख लेना कि रास्ता कहाँ जाता है। और अभी हम कहाँ पे हैं, मेरे साथ है रोहन, हम दोनों भाई आज जा रहे हैं, तो शायद हमें लिंगड़े मिलेंगे या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो शायद मिल जाएंगे। तो ढूंढेंगे लिंगड़े, जहाँ मिलेंगे वहीं से लाएंगे। तो चलते हैं नीचे। परसों पर्यावरण दिवस था और देखो हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बांज के पेड़, चीड़ के पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं बांज के, चीड़ के, जिनको के हम बोलते हैं ये कुल्ला के पेड़, ये वाले। तो एक कमेंट आया था वीडियो में हमारे भाई अर्जुन भाई का, तो उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, बस जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करो। तो ये कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिल खुश हो गया ये कमेंट पढ़ के। तो हम देखभाल करते हैं अपने आसपास के पेड़ पौधों की और चले आगे चलते हैं। फिलहाल आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वही रास्ता, ये पिछले वाले वीडियो में भी आप देख चुके होंगे जब हम रोल गए थे, एक दो बार जा चुके हैं, हम रोल की वीडियो बना चुके हैं। और अभी यहाँ पे देखो आपको पीछे बैकग्राउंड में तोतों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ची ची की, तो इन पेड़ों के बीच तोतों की आवाज़ गूंजती रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और मनमोहक हो जाता है उनकी आवाज़ सुन के। और सुबह के टाइम भी ऐसी चिड़ियाँ चहकती रहती है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बजे और मैंने अपने पास रखा हुआ है एक बैग जिसमें हम लिंगड़े रखेंगे, और रोहन खाली जा रहा है तो बैग मैंने रखा हुआ है, और आते समय मैं रोहन को दे दूंगा, आते समय थकान लगेगी ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये देखो इधर चारों तरफ बांझ के पेड़ ही बांझ के पेड़, ये देखो ये हमें पानी देते हैं बांझ के पेड़ जो है सारे। दोस्तों अभी क्या है कि 4-5 दिन से अपने उत्तराखंड में भी गर्मी होने लग गई, जैसे शहरों में हो रही थी वैसे अपने उत्तराखंड में भी 4-5 दिन से गर्मी हो रही है। और इधर पूरे बांझ के पेड़ है तो इधर काफ़ी ठंडा मौसम है। धूप में से आप कहीं आ रहे हो और बांझ के पेड़ के नीचे या जो हमारे चीड़ के पेड़ होते हैं उनके नीचे बैठ जाओ तो वहाँ पर आपको ठंडी छाव मिलेगी और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है और काफ़ी अच्छा महसूस होता है यार। बाय द वे अभी मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से अगर मैं चारों तरफ कैमरा घुमाऊँगा तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखेगा। और रास्ते यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हम आए वहाँ से ऊपर से और इधर इधर के लिए जाना हमें पहले, वो देखो उधर उधर और सीधे वहाँ ऊपर के लिए। तो इधर से भी शॉर्ट रास्ता, हम इधर से जाने वाले हैं और ये रास्ता जाता है भतकंडाई गाँव जहाँ से हम गाय लाए थे, ये वाला इधर, और वहाँ लोगों की आवाज़ आ रही है। तो आजकल लोग काफ़ी जाए रहते हैं उधर अपनी गाय बकरी चराने के लिए उधर के लिए। और यहाँ से एक बार आपको नज़ारा दिखाते हैं, चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं कि कैसा हो रखा है। ये पाली गांव और ये भरपूर गांव, इसी के नीचे आए हम और भरपूर वालों के रोल जाने वाले हैं उधर, उधर मिलेंगे हमें लिंगड़े शायद। ये देखो हमारे यहाँ के लोग इधर भी आ रखे हैं, ये हरे हरे जो खेत है यहाँ पे गाय चर रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो। और वहीं पे कपड़े धो रहे हैं उधर, अक्सर आते रहते हैं लोग इधर कपड़े धोने के लिए, गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए। ये देखो यहाँ तक आ रहे थे लोग कपड़े धोने के लिए, अक्सर आते रहते हैं लोग यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। ये चाची भी आ रखी है और ये चाची भी, देखो गाँव में तो पानी की दिक्कत है ना, तो यहाँ खुला पानी है ना, खुला तो है ये खुला है, खुला पानी है, मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन है सही। बच्चे भी आ रखे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, अपनी गाय बकरी चराने के लिए। और एक एक इस पेड़ के पीछे छुप गया कोई, सानू बाहर निकल। ये लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पेड़ों में चढ़े हुए अपनी गाय भी चरा रहे हैं और अपना टाइम पास भी कर रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। जब हम भी छोटे थे तो हम भी आते रहते थे ऐसे, पीछे काफ़ी लोग आए हुए थे अपनी गाय चराने के लिए, कोई कपड़े धोने के लिए। और पहाड़ों के सफ़र में आप अगर आप निकलोगे तो ये छूती आपको ज़रूर मिलेगी, हर रास्ते में आपको छूती ज़रूर मिलेगी।
इधर का नज़ारा भी देखने लायक है, ये देखो। आजकल जो है चारों तरफ हरा भरा हो रखा है, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है और घास वगैरह सब कुछ उग गई है और जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे हो गए हैं। और ये आपको लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, ये है कूड़ी के, तो ये काफ़ी मिलते हैं पहाड़ों में। इसके अंदर जाओगे आप तो इन पौधों पर जो है कांटे रहते हैं ऐसे, तो आपकी स्किन को फाड़ देंगे। जैसे टिमरू के पेड़ पर होते हैं उससे छोटे छोटे कांटे इस पर होते हैं, और इस पर काफ़ी अच्छे फूल लगे रहते हैं लाल लाल। ये हरे हरे दाने भी होते हैं इस पे, ये इसके फल है, कोरी के फल है ये, और ये अभी थोड़ा थोड़ा ब्लू हो जाएंगे तो पक जाएंगे और इनको हम खाएंगे तो ये काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी मीठे होते हैं। ये देखो हल्के हल्के नीले हो चुके हैं ये। इस एरिया पे ये खेत सब बंजर है, पहले यहाँ खेती होती थी और अभी बंजर हो चुके हैं, तो हरे भरे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर आए हम तो यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए हैं, तो उन्होंने ये गन रखा हुआ है जिससे कि पत्थर वगैरह फोड़ते हैं और इससे यहाँ पे मच्छी मारते हैं, तो रोल में यही काम आता है, पत्थर पे मारो और मच्छी बाहर, तो मच्छी मर जाती है। तो इसको अक्सर जो है मच्छी मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है मच्छी मारने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई सब आपको दिखाना लायक थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे आपको बताएंगे कि हमें लिंगड़े कहाँ मिलेंगे और कैसे होते हैं लिंगड़े। तो वीडियो बना रहे तो इस नदी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमने काफ़ी टाइम इसमें गुजारा, अपना बचपन हमने इसमें एंजॉय किया है, काफ़ी ऐसे मोमेंट थे हमने इसमें एंजॉय किए, यहाँ पे हमने नहाया और इधर एंजॉय किया काफ़ी। ये तो अभी बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जब ये बना तो ये नदी थोड़ा बंद हो गई थी, और आजकल यहाँ पे लड़के रेगुलर आ रहे हैं तो उन्होंने ये नदी साफ कर दी और अब ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी घर से आते आते पसीना हो गया है, और इस नदी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस नदी को हम याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम गुजरा है इसमें, दोस्तों के साथ हमने खूब मस्ती की इस नदी में, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम यहाँ पे आते हैं। ये देखो पहले काफ़ी बड़ी नदी थी लेकिन अब छोटी हो गई है, तो अब सीधे आपको ले चलेंगे ऊपर के लिए, तो बाद में इसमें नहाएंगे हम और इसमें इंजॉय करेंगे, गर्मी हो जाएगी तो फिर इसमें नहाएंगे, अपने आप को थोड़ा कूल करेंगे। माँ कसम इतनी गर्मी हो गई है, इतना पसीना हो गया इधर चढ़ते चढ़ते। और फाइनली ये वीडियो जो है वेस्ट नहीं जाने वाली है, आपको लिंगड़े देखने को मिल गए हैं। हाँ गाइस, लिंगड़े मिल गए हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ और कैसे। ये मुझे एक दिखा, और ऐसे कोनों कोनों पे होते हैं, पत्थर के कोनों पे दो है शायद यहाँ पे, ये देखो। अभी और भी होने वाले नीचे से, तो ये देखो। आ हा गाइस, कितने अच्छे लग रहे हैं यार, अभी तो फिलहाल दो मिले और आई होप कि और मिले ऊपर। दरअसल आज हमें कम ही लिंगड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिंगड़े होते हैं बरसात के टाइम पे, और चार पांच दिन से बरसात नहीं हुई तो लोग तोड़ के ले गए और हम थोड़ा लेट आए, लेकिन हमें मिलेंगे ज़रूर थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर के लिए पानी है और रोल में पानी रहता ही है, तो रोल की जगह पर अक्सर होते हैं, और जब बरसात हो तो कब ज़्यादा होती है, और ये काम के हैं तो इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी है अपने उत्तराखंड की, तो काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, उत्तराखंड के लगभग सारे लोग ही इनको पसंद करते हैं, और जो शहर के लोग होते हैं वो भी इनको पसंद करते हैं। ये होती है इसकी पत्ती ऐसी, ये देखो, और जब ये पूरा खुल जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, तो अब ये खाने के काम नहीं आएंगे, अब ये पत्ती बन गए हैं और लिंगड़े ऐसे रह जाते हैं। तो ये देखो ऐसे पानी की जगह पे मिलते हैं, पुदीना हो गया, काफ़ी कुछ हो गया, और ये घास होता है रोल में, हर जगह आपको मिलेगा, और काफ़ी अच्छी दवाई है ये, चोट वगैरह लगेगी आपको तो ये आपका घाव जल्दी भर देगा, और काफ़ी अच्छी दवाई है, तो हमारे उत्तराखंड में ऐसी दवाई, ऐसी जड़ी बूटी मिलती रहती है। और देखो इनसे लोग तोड़ के ले जा चुके हैं, ये जो टहनी है इससे लोग पहले तोड़ के ले जा चुके हैं, और हमें शायद अब कम ही मिलने वाले हैं। ये वाली थोड़ी ऐसी है, लेकिन आप इसको देखो, आहा, इसको देखो गाइस, हरा हरा, और उस पर जो है ऑरेंज ऑरेंज कलर के नीचे ये जो बाल से लगे हुए हैं, ऐसे बाल जैसे हमारे सर पे होते हैं वैसे बाल से लगे हुए हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सांप की तरह लग रहा है एकदम। जो शहरी लोग इनको पहली बार देखेंगे तो वो डर जाएंगे, बेसिकली उनको डर लगने वाला है, अचानक से वो डर जाएंगे, जो शहर के लोग इनको देखेंगे वो अचानक से डर जाएंगे। ये देखो, तो ये प्योर लिंगड़ा है,
और ये थोड़े बड़े हो चुके हैं तो ये फूल चुके हैं, लेकिन खाने के काम आएंगे ये भी। अभी हमें 8-10 लिंगड़े मिल गए हैं और हमें जो है सावधानी से देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि ऐसे सांप भी लिपटे हुए रहते हैं इन पे, हरे हरे सांप, और कई बार हमने पकड़े हुए भी हाथ से। हम लिंगड़े तोड़ते थे और सांप हाथ में आ जाता था, लेकिन हरा सांप जो है इतना काटता नहीं है, एकदम वैसे हिलता उलता नहीं है, ज़्यादा दूर जाता नहीं है, भागता नहीं है, तो वैसे रहता था वो, फिर हम उसको वैसे ही छोड़ देते थे। कई बार ऐसे हुआ है हमारे साथ, तो अभी हमें सावधानी से तोड़ने पड़ेंगे। तो यार हमारी मेहनत जो है रंग लाई और ये वीडियो वेस्ट नहीं जाने वाली, आपको लिंगड़े दिखने को मिल गए। रोहन के हाथ में है जो ये प्योर है, और एक मेरे हाथ में। एक आध घंटा हमें यहाँ लगने वाला है, हम ऊपर तक जाने वाले हैं और जितने हमें मिलेंगे हम ले आएंगे जब तक टाइम होगा, और फिर नीचे नहाना भी है। तो लिंगड़े ढूंढते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कितने लिंगड़े हमने ढूंढे। अभी ये भाई भी हमारी लिंगड़े ढूंढने में मदद कर रहे हैं, जिनका तोता था, और ये कुत्ता भी आ चुका है, कितना प्यारा है। क्या नाम है इसका? लक्की। लक्की नाम है इसका। ओ लक्की, कैसे हो? कार्टून तो नीचे कार भी इनके डे लग रही है, कुत्तों का कोई पता नहीं रहता है कब कार देते हैं। तो ये भाई हमारी मदद कर रहे हैं, और इनका नाम है पता सूर्यदेव। तो सूर्यदेव यार थोड़ा गर्मी कम कर दो, ढल जाओ थोड़ा यार, देखो कितना पसीना हो रहा है हमें। बेसिकली ऐसे जगहों पे रहते हैं लिंगड़े जहाँ पे हल्का हल्का पानी से आता है, छोटा सा झरना रहता है, वहाँ पे रहते हैं लिंगड़े। और ये इनके पौधे हैं ये, तो अभी यहाँ पे है नहीं, लोग तोड़ के ले जा चुके हैं यहाँ से। लिंगड़े ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए, और यहाँ देखो ये पूरी झाड़ी है ना, ये बांस के पेड़ है, बांस की लकड़ी है ये पूरी, देखो काफ़ी लंबी लंबी लकड़ी है इसकी, बांस की यहाँ पे। और इनका इस्तेमाल ना पहले पुराने लोग जो होते थे गांव में, तो काफ़ी कुछ सामान बनाने में काम आते थे, जैसे कंडी वगैरह हो गया, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिनको पुराने लोग बनाते थे इनसे। तो ये तो बारीक बारीक है, तो इनसे कंडियां वगैरह बनाने के काम आते थे पहले ये, और अब शहरों में जब मोटे मोटे होते हैं ना ये, तो शहरों में लोग इनसे सीढ़ी वगैरह काफ़ी कुछ सामान बनाते हैं। इन्होंने यहाँ पे दो मच्छी पकड़ी, मार की ये देखो ऐसी मच्छी होती है इधर। अभी लिंगड़े ढूंढ के नदी के सामने आ गए, और ये लोग यहाँ पे नहा रहे, देखो काफी मजा आ रहा होगा इनको यार, हम भी ऐसे ही मजे करते थे यहाँ पे। और यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही है। अभी इसमें है लिंगोड़े और नदी में आ चुके हम, देखो बच्चे नहा रहे, तो हम भी नहा लेते हैं क्योंकि हमें भी गर्मी हो गई। देखो ये देखो ये लोग नहा रहे हैं, तो मुझे भी गर्मी होगी, मैं भी नहाने वाला हूँ, और इनको देख के तो रहा नहीं जा रहा यार। ये देखो सूर्यदेव पानी में कूद गए हैं, देखो तो छाव भी नहीं हो रही है, सूर्यदेव पानी में लेकिन छाव नहीं हो रही। अभी हम लक्की को भी नहाने वाले हैं, ये देखो लक्की को भी नहाने वाले हैं क्योंकि इसने काफी दिन से नहीं नहाया। वाह वाह लकी वाह, लक्की को भी नाला दिया है, और मैं तो यहाँ पे नहा रहा हूँ, इन्होंने पानी गंदा कर दिया नीचे नदी में, तो मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ, और थोड़ी देर में हम चलेंगे घर, तो सीधे आपको मिलेंगे घर में। फाइनली पहुँच गए घर में, और दादी को गर्मी हो रही बहुत, बाल छान लेते हैं, गर्म गर्म होने थकान लगी थी, पानी पी रहे हैं। और लिंगड़े बताते हैं आपको कितने हुए, इतने भी लिंगड़े हुए, लेकिन जितने भी है दादी के लिए बहुत है। तो दोस्तों टाइम आ गया इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी चैनल बनाए हैं वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाय बाय, टेक केयर।